आगे बढ़ते हैं। खबर ओबेदुल्लागंज से है, जहां हाईवे पर एक तेंदुए का शव मिला है। अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। हाईवे पर ये तेंदुए का शव मिला है। मौके पर सूचना मिलते ही वन अमला पहुंच गया, डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई। पीएम के बाद पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो ओबेदुल्लागंज NH 45 की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई है, ऐसी आशंका मामले में जताई जा रही है। तो हाईवे पर तेंदुए का शव मिला है, तस्वीर आप देख रहे हैं। सूचना मिलते ही वन अमला और डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम देखिए हो गया है और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी कर लिया गया है। तो ओबेदुल्लागंज की ये घटना, अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत की खबर मिल रही है। और चले इस खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, बड़ी खबर है, पता चला कौन था वो वाहन चालक, किस वजह से हत्या हुई है? जी प्रगति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अज्ञात वाहन ने इस तेंदुए के शावक को जो है कि टक्कर मारी है। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है, हालांकि वन विभाग की टीम उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद उस तेंदुए के जो शव है उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हालांकि वन अमला भी DFO के साथ पूरा वन अमला पूरा का पूरा डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची थी। अब जो हाईवे पर जो CCTV कैमरे लगे, कहीं ना कहीं अब वन विभाग की टीम उन कैमरों को भी खंगालेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये तेंदुए को टक्कर मारने वाला वाहन कौन था। और अभी इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि तेंदुआ आखिर हाईवे पर आया कहां से था, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर सामान वन मंडल लगता है, उससे लगा हुआ ही सेंचुरी एरिया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि रातापानी अभ्यारण्य में जो है कि तेंदुए और बाघों की संख्या हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, और कारण यही है कि इसी कारण से लगातार जो वन प्राणी है वो लगातार सड़कों पर और हाईवे पर आ रहे हैं। तभी प्रेशर हारन और तमाम जो एहतियात जो है कि वन विभाग अपनी तरफ से बरत रहा प्रगति है। हालांकि अभी इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो वाहन कौन सा था। हालांकि ये कंफर्म है कि कोई छोटा वाहन था जिसने उस तेंदुए को टक्कर मारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और